हेलो दोस्तों नमस्कार। उमे टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अपडेट है कि 75 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि में, तो सबसे पहले हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होनी होगी, और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज की जो बैठक होनी तय हुई है 10 तारीख को, आज की बैठक में क्या निष्कर्ष निकल सकता है, और साथ ही साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोश्यारी समिति का क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए निष्कर्ष निकला है, मजदूर संगठन का, कांग्रेस कमेटी का, और भी जो संयुक्त भारत पक्ष है और जो अतिरिक्त संस्थाएँ हैं संगठन हैं वो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेके क्या बातें कर रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आज का निकलने वाला है। फिलहाल हम लोग दीपावली के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन दीपावली हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक बैठक होनी तय की गई कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर 10 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी की सहमति में हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी हम लोग डीप में बात अप्रूव करके बताएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि को लेकर एक ताज़ी अपडेट आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन बढ़ोतरी 9,500 रुपये तक की जा सकती है। जी दोस्तों बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि 9,500 रुपये तक। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे, आपके मन के अंदर में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जहाँ ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर 7,500 रुपये पेंशन देने में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने में ईपीएफओ सरकार का यह हाल है, तो क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन 9,500 रुपए तक की जा सकती है या नहीं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जितने भी लोगों के मन के अंदर में उठ रहा है। तो साथ ही साथ एक बात और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज ही की डेट में कि क्या ठीक इसके विपरीत कौन किसकी किसकी सोच है। अच्छा सरकार 75 लाख अगर 9,500 रुपए के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि होती है तो तकरीबन 75 लाख करोड़ अतिरिक्त बोझ जो ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन पे करने के दौरान में सरकार के ऊपर पड़ेगा या ईपीएफओ के ऊपर पड़ेगा। हालांकि हम लोग बजट के ऊपर भी बात करेंगे कि ये 75 लाख करोड़ का बजट 58,000 लाख करोड़ रुपए जो है उससे ये 75 लाख करोड़ रुपए का क्या अंतर पड़ेगा, क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को सच में 9,500 रुपए तक का अतिरिक्त बजट मिले ये पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक इसके विपरीत में मैं अगर विपरीत की बात करूं तो जहाँ पे 75 लाख करोड़ रुपए तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है वहीं पे मैं आपको बता दूं कि विपरीत स्थिति में अगर मैं विपरीत की बात करूं कि जो 9,500 रुपए जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होने की बात कही जा रही है ये भी मैं बताऊंगा कि बात कहां से सामने निकल के आएगी। पहले ये जान लेते हैं कि इसके ठीक विपरीत की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोश्यारी समिति की सिफारिश में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर महज दुगनी पेंशन में वृद्धि करने की बात कही गई थी। मजदूर संगठन की तरफ से मात्र 5,000 रुपए तक पेंशन में वृद्धि करने की बात कही गई थी। वहीं पे कांग्रेस कमेटी की तरफ से मात्र 3,000 रुपए तक पेंशन वृद्धि की बात कही गई थी। संयुक्त भारत पक्ष की तरफ से 9,000 रुपए तक की पेंशन में वृद्धि करने की बात कही गई थी, और संस्थाओं की तरफ से भी किसी के 4.5, किसी का 5.5, कोई 7.5, मतलब इस प्रकार की बात कही जा रही थी। और अगर हम बात करें एनएससी की टीम की, एनएससी की टीम के द्वारा 7,500 रुपए प्लस डीए महंगाई भत्ता की बात कही गई थी। तो ये ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात कहां से निकल के आई है, तो संयुक्त भारत पक्ष की तरफ से एक बहुत बड़े पहले ही रखा गया था, और साथ ही साथ में ये भी किया 10 अक्टूबर को माननीय हेमंत सोरेन जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन या पेंशन में वृद्धि को लेकर एक बड़ी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। उसी बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि 9,500 रुपये तक, और साथ ही साथ में इसमें जो मंजूरी मिल जो तो इसमें मंजूरी मिलना भी कुल मिला के तय हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी की महंगाई भत्ता के अनुसार जो सरकार के तर्क पर भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो फैसला है वो कैबिनेट मंत्री में भेजा जाएगा। दोस्तों ये 75 लाख करोड़ का जो अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है। 73 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच में जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वो 75 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसे भी हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिफाइन करेंगे कि 75 लाख करोड़ का ईपीएस 95 पेंशनर्स को अगर पेंशन की राशि दी जाती है तो उन्हें 75 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ कैसे पड़ेगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को प्रेस कर लें। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।